इतने क्रांतिकारी हुए, किसी को भी दो बार आजीवन कारावास नहीं मिला, केवल एकमात्र थे जिससे अंग्रेज घबराते भी थे, उनको दो बार आजीवन कारावास मिला और आजीवन कारावास के डीपीएससीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12, 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस, ऑनलाइन एडमिशन ओपन, विजिट dpsajmer.in। ओके, सबसे बड़े महान क्रांतिकारी वीर सावरकर की आज 137वीं जयंती है। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो एक राष्ट्रवाद की लहर जागृत की और जीवन भर उसके लिए संघर्षरत रहे, ऐसे महान क्रांतिकारी जो केवल राष्ट्रवादी नहीं, देशभक्त, ओजस्वी वक्ता, महान समाज सुधारक, लेखक, जिनके आज भी अंडमान की वह कोठड़ी हम सबके लिए प्रेरणादायी है, उससे जीवन से हमें जीवने का भाव जगता है, ऐसे महान क्रांतिकारी के चरणों में शतशतम नमन करते हैं। और बड़ी पीड़ा होती है जब ऐसे महान क्रांतिकारी को आज वर्तमान शासनकर्ता कांग्रेसियों ने अपने पाठ्यक्रम में लोगों को दिग्भ्रमित करके अपमानित करने का प्रयास किया, इनके नाम के आगे वीर शब्द हटा दिया, इनके महान क्रांतिकारी हटा दिया, उसकी तो हम निंदा करते हैं और हमने उसके खिलाफ आंदोलन भी चलाया हुआ है। और आज वो केवल इसलिए केवल एक ही परिवार की हमेशा पूजा करते आए, ऐसे महान क्रांतिकारी जिसके जीवन से आज भी युवा प्रेरणा लेता है, हम भी आज संकल्प लेते हैं कि उनके जीवन से हम प्रेरणा लेते हुए आगे अपने देश को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और मोदी जी के जो सपने हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, उस विश्व गुरु बनाने में हम भी सहभागी बनेंगे, इस प्रकार का हम सब लोगों ने आज संकल्प किया। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर जिला अजमेर की ओर से वीर विनायक दामोदर राव सावरकर जी की हमने जयंती मनाई। इस अवसर पर हमने उनको पुष्पांजलि कर नमन किया, याद किया। और वीर दामोदर सावरकर जी एक प्रखर राष्ट्रवाद राष्ट्रवादी प्रखर चिंतक, एक अच्छे राजनीतिज्ञ, एक अच्छे नेता, एक अच्छे नाटककार, एक अच्छे लेखक और एक अच्छे कवि होने के नाते एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के अंदर एक क्रांतिकारी भूमिका अदा की थी। उनके भारत को स्वतंत्र कराने में उनकी अहम भूमिका थी। उनके द्वारा 1857 की क्रांति की प्रथम समर किताब भी बड़ी विख्यात हुई। उनकी जीवनी से प्रेरणा लेते हुए हम सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने यह संकल्प लिया है कि हम उनके जो विचार अपने जीवन में उतारें, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें और उनके द्वारा दिए गए चिंतन को हम सभी व्यक्तियों तक, प्रत्येक घर तक पहुंचाने का प्रयास करें। इसी संकल्प के साथ हम पुनः इनकी जीवनी के ऊपर, इनके जयंती के अवसर पर उनको याद करते हैं, नमन करते हैं। मैं दीपक सिंह राठौड़, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष,